ये क्या, तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? हाँ कान्हा, ये अनुचित है। ये क्या बात हुई कान्हा कि यदि हम स्वयं अपने लिए मटकी तोड़ने का प्रयास करें तो क्या तुम सदैव ऐसे आके हमें धक्का मार के हमसे हमारा माखन छीनोगे? ये कैसे न्याय कान्हा? जो अनुचित है वो अनुचित है कान्हा। कान्हा कभी अनुचित नहीं कर सकता। मुखिया जी, त्रुटियां आपके और आपके भाई की। हाँ हाँ, चुप रहो, अन्यथा दंड मिलेगा। ऐसी शक्ति दिखाने से आप सही नहीं हो जाओगे और ऐसे तोते की तरह जीवा चलाने से तुम सही नहीं होगी, समझी? अरे ये दोनों फिर से शुरू हो गए। और हमने तय किया था कि जो करेंगे वो साथ करेंगे, एक टोली बनकर। हाँ। तो ये क्या है, ये मटकी नहीं तोड़ी, अपना दिया वचन तोड़ा है तुमने, टोली का विश्वास तोड़ा है तुमने। टोली तोड़ के यहाँ अकेले आके माखन की मटकी फोड़ने की भूल की है। चोरी और ऊपर से सीना चोरी। सीना चोरी वो तो तुम्हारी है। हाँ, ये मुखिया बताती है। इसके नुसार सारी मटके तोड़ने का अधिकार केवल तुम्हारे कान्हा को ही है। ये कान्हा छोटा है इसलिए हम उसे कुछ कह नहीं रहे। अन्यथा। अन्यथा क्या? दाऊ, हमें सूझबूझ से काम लेना है। चुप रहो कान्हा, आज आ रही पार की लड़ाई है। चलो चलो, उस मथुरा की मटकी को देखकर आते हैं। हाँ हाँ, उस माखन चोर ने कहीं खेल तो नहीं रचा है। चलो चलो। अरे दाऊ, गोकुलवासी आ रहे हैं, भागो। मन तो करे कि तुम्हारी चोरी पकड़वा दूं, परंतु अभी जाने दे रहा हूँ। दाऊ कृपा कीजिए, वरना हम सब पकड़े जाएंगे। नंदिनी, अब ये क्या नया खेल है कान्हा? ये नया नहीं, पुराना खेल है दाऊ, जिसे आपने बिगाड़ा है। मैंने बिगाड़ा? हाँ, जब आपने हमारे तीनों मित्रों से लड़ाई की जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। दाऊ, तुम्हें कोई गलत बोले मैं सहन नहीं कर सकता कान्हा, और ना करूँगा। अब सुदामा को ज्ञात हो जाएगा कि मैंने उसे धक्का क्यों मारा था, क्यों उसे माखन खाने से रोका था। क्या बात है, इस समय आप सब यहाँ? मुखिया जी, महाराज कंस ने जो मटकी भेजी थी वो मटकी टूट गई है। और क्या? और आप स्वयं चल के देखिए माँ कितना अनर्थ हो गया है। आप रुकिए। चलिए। ना क्या हो गया कि ये सब हड़बड़ी में निकले? यशोदा, हमें भी चलना चाहिए और बच्चों को भी ले चलते हैं।
लगता है इस बार हम पकड़े गए। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? और नहीं तो क्या, ये इतनी रात को यहाँ क्या नौटंकी देखने आए? चुप रहो, आओ मेरे साथ। काली क्यों पड़ गई है? वो देखो मिटकी भी खाली है, सारा माखन खत्म हो गया है। ये सब क्या है और सैनिक कहाँ है? ये क्या, मथुरा की मटकी किसने तोड़ी? पक्का ये माखन चोर ने किया है। माखन चोर यहाँ आया था, कहाँ है वो माखन चोर? वो कहाँ ये तो नहीं पता है, लेकिन ये अवश्य पता है इसमें कुछ विशेष है। धरती इतनी काली कैसे हो गई? इसका रंग क्यों बदल गया? दाऊ, इस माखन और इस मिट्टी में मामा कंस का भेजा हुआ विषैला विष है। तुरंत रोकिए बाबा को इसे छूने से। रोकिए बाबा! मत छोइए, पता नहीं क्या होगा इस माखन में कि सारी भूमि का ही रंग बदल गया। माखन में क्या हो सकता है बलराम? अब ये तो पता लगाना ही होगा ना कि ये सब क्या है। यदि आप सबको लगता है कि मेरी ममता का विश्वास असत्य है तो ठीक है, आज से मैं सदा के लिए मौन धारण करती हूँ। हाँ नंद जी, बलराम ठीक कह रहे, जिस माखन से धरती का रंग काला पड़ गया, ना जाने उसमें क्या होगा। की गंध अलग सी है, माटी की सुगंध और इसमें बहुत अंतर है। आप ही परीक्षण कीजिए, कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं। ये क्या है? अर्थात विष है ये। महाराज कंस ने माखन में विष घोलकर गोकुल भेजा। अच्छा हुआ किसी ने इसे छुआ नहीं। और अच्छा हुआ उस माखन चोर ने इस विषैले माखन को नहीं खाया, अन्यथा वो यही मृत मिलता। मैंने तुम सबको इस माखन को खाने को मना किया था। तुम सब उस माखन चोर से परेशान थे ना, इसलिए महाराज कंस ने ये विषैला माखन भेजा ताकि उस माखन चोर से गोकुल वासियों को छुटकारा मिले। इस बार तो चोर भाग्यशाली रहा, परंतु अगली बार नहीं। चलो
महाराज कंस को सब बताते हैं। यदि इस माखन की मैं एक बूंद भी ग्रह कर लेता तो मैं हूं से ठा हो जाता। कान्हा को मैंने इतना बुरा भला कहा, जबकि कान्हा के कारण ही मैं आज जीवित बचा। मैं अपने मित्रों को कभी क्षति पहुंचने नहीं दूंगा। अंत भला तो सब भला।